జై శ్రీ కృష్ణ, జై శ్రీరామ్. ఆప్ సభీ కా ఇస్ గీతా భక్తి అమృత్ మహోత్సవ్ మే సహర్ష స్వాగత్ కర్తే హువే ముజే అత్యంతిక్ ప్రసన్నతా హై, బహుత్ ఖుషీ హై. ఆళందీ కీ ఇస్ పుణ్య ధరా పర్ జహా పర్ लगभग 750 वर्षों से संतों की परंपरा अविरल चलती रही, अविरत चलती रही, और आज भी इस आलंदी के पुण्य धरा पर कई ऐसे हरिभक्त परायण हैं जो वास्तव में संत है, जिनकी चरण रज हमारे मस्तक को लग जाए. जैसे कि यहां पर हमारे हरिभक्त परायण कुरेकर महाराज रोज आपको दिखते हैं, वो वैसे ही है. उनमें हमें माउली ही नजर आती है. और ऐसे एक नहीं, अनेक संत महात्मा इस धरती पर अवतीर्ण हुए और इस धरती से वो प्रकाश देते रहे. ये पुण्य प्रवाह रुका नहीं. जैसे गंगा बहती है, वैसे इस धरा से और महाराष्ट्र के कोने कोने से और भारत के भी हर कोने से ऐसे संत महात्मा निरंतर हमारा मार्गदर्शन करते रहे. और इसलिए 1000 वर्षों के पारतंत्र में भी हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे. लेकिन ये 75 साल की परतंत्रता नहीं थी, ये तो 1000 वर्षों की परतंत्रता थी. और उसमें जो मुगलों का आक्रमण हुआ, उस मुगलों के आक्रमण में भी हमारे घर में यदि भारतीयता बची रही, तो उसका मूल कारण है हमारे संतों का साहित्य, हमारी ज्ञानेश्वरी, हमारी गाथा, हमारा दासबोध, हमारा तुलसी रामायण और ऐसे कई ग्रंथ, हमारी भागवत. ये घर घर में पढ़ती जाती रही और हमारी भारतीयता बची रही, यह सनातन संस्कृति बची रही, यह वेद संस्कृति बची रही, यह ऋषि संस्कृति बची रही. यह पुण्य प्रवाह अविरल बहता रहा जैसे गंगा का प्रवाह हो. यह कल कल छल छल बहती, क्या कहती गंगा धारा. यह कल कल छल छल बहती, क्या कहती गंगा धारा. युग युग से बहता आता यह पुण्य प्रवाह हमारा, यह पुण्य प्रवाह कभी रुका नहीं. संतों का ये दर्शन करने आज के युग के एक महनीय संत, परम श्रद्धेय, परम पूज्य मुलुक पीठाधीश्वर राजेंद्र दास जी महाराज भी यहां पधारे हैं. उनका हमारी करतल धनियों से हम ऐसा स्वागत करें कि ये जो पुण्य प्रवाह है महाराज जी, ये आप जैसे संतों के कारण आज भी वैसा ही है जैसा माउली के समय था. आपके अनन्य उपकार है हमारे ऊपर. इन संतों के उपकार हम भुला नहीं सकते. संत कबीर हो, संत रैदास हो, हमारे आदि शंकराचार्य से लेकर ये परंपरा जो बहती रही, समर्थ रामदास स्वामी यहां पर दिंडी भी आएगी और महाराष्ट्र के सभी संतों की, फिर वो चोखा मेला हो, वो सावतामाड़ी हो, वो संत एकनाथ हो, संत तुकाराम हो, संत रामदास हो, ये सारे संतों का दर्शन तो होगा ही. लेकिन संत कबीर, और भारत भर के अन्यान्य संतों का दर्शन आज हमें यहां होगा. ये पुण्य प्रवाह हम लोगों ने
दो साल पहले जब कुंभ का मेला लगा था प्रयागराज में, तब स्वामी जी का जन्मदिन वहीं पर हुआ था और हमने यह नाटक वहां भी किया, संगम नेर में भी हुआ। और आज हमारा सौभाग्य है कि माउली की इस धरा में इस पुण्य प्रवाह को लेकर हम आए हैं। इसका लेखन हमारे अपने गीता परिवार के सह सचिव श्री गिरीश डागा जी ने किया है, जो आज आपको यहां पर श्री रामकृष्ण परमहंस की भूमिका में दिखेंगे। इस महानाट्य को पूरी तरीके से रिकॉर्डिंग किया गया छोटे बच्चों की आवाज में, क्योंकि संतों की आवाज कोई बड़ा निकाले तो बड़ा मुश्किल हो जाए, वो तो पवित्र मन के छोटे छोटे बच्चे ही इसका रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो ध्रुव ग्लोबल स्कूल के बच्चों ने इसका रिकॉर्डिंग किया और क्षितिज महापात्र जी, जो गीता परिवार के और स्वामी जी के अनन्य भक्त है, उन्होंने ये सारा रिकॉर्डिंग का काम किया। और ये नाटक जब यहां पर करना तय हुआ तो हमारे डॉक्टर पीडी पाटिल जी, जो कि इस पूरे महोत्सव के स्वागताध्यक्ष है, उनको हमने ये निवेदन किया कि आपके महाविद्यालय के बच्चों के द्वारा यह नाटक किया जाए। तो पीडी पाटिल, डॉक्टर डीवाई पाटिल स्कूल ऑफ लिबरल आर्ट्स के डॉक्टर पंडित नंद किशोर जी कपोते, इन्होंने जो कि स्वयं इस नाटक में कलाकार की भूमिका में भी आएंगे, उन्होंने बड़े मेहनत के साथ में अलग अलग विद्यालयों को साथ में लेकर यह काम किया। डॉक्टर डीवाई पाटिल कॉलेज ऑफ आयुर्वेद एंड रिसर्च सेंटर पिंपरी, डॉक्टर डीवाई पाटिल डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल पिंपरी, अमृता विद्यालयम एंड जूनियर कॉलेज निगड़ी, ज्ञान प्रबोधिनी नवनगर विद्यालय निगड़ी और स्वर्णबाग, पायल गोखले, स्नेहल सोमन, आयुष मेहता, इन सबके परिश्रम से ये महानाट्य जिसमें लगभग 250 कलाकार है, और ये कहीं पर भी टिकट लगाकर नहीं दिखाया जाता, क्योंकि हमारे संतों की परंपरा, उन संतों ने कभी कुछ चाहा नहीं, केवल देते रहे, नदी की भांति बहते रहे। तो इस अमृत महोत्सव में भी जो नाटक दिखाया जाएगा वो संतों का नाटक, जहां जहां दिखाया गया इसका टिकट कहीं नहीं लगाया गया। ये सारा खर्चा हमारे स्वागताध्यक्ष डॉक्टर पीडी पाटिल साहब ने किया। और इस प्रकार का नाटक करना हो तो कम से कम 30 लाख रुपए का खर्चा हो जाता है, लेकिन बड़े आनंद के साथ उन्होंने इसको सम्मति दी और ये नाटक हम लोग यहां प्रस्तुत कर रहे हैं। आइए, हम सब उत्सुक है उसको देखने के लिए। यह पुण्य प्रवाह हमारा, ये गीता परिवार निर्मित महानाट्य, यह पुण्य प्रवाह हमारा। अरे अरे, रुको रुको, कब से देख रहा हूं मैं तुम्हें, हमेशा भागते रहते हो। मैं रुक नहीं सकता, मैं वर्तमान हूं, लेकिन तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? क्योंकि मैं हूं अतीत, और अतीत कभी पीछा नहीं छोड़ता, और मैं वर्तमान, कभी रुक नहीं सकता, मैं चलता हूं। रुक जाओ मित्र, कभी कभी वर्तमान को भी ठहर कर अतीत में झांकना चाहिए, नहीं तो देखो भविष्य वैसा मिलेगा, मुरझाया हुआ, घबराया हुआ, असुरक्षित, अनिश्चित। इस भविष्य को सवारने के लिए ही तो मैं भागते रहता हूं बड़े भाई, तुम्हारे पास बैठकर क्या मिलेगा मुझे? साफ सुपेरे, जादू टोने, अंधविश्वास और पराजय से भरा इतिहास, यही तो समस्या है बंधु। ये देश अपना वो अतीत भूल ही गया जो स्वर्णिम है, जिसके पास इसे देने के लिए आज भी बहुत कुछ है,
और अपनी स्मृतियों में ये उस इतिहास का बोझ ढो रहा है जो इसे आत्मग्लानी में डुबोए रहता है। आज मैं तुम्हें उस अतीत से मिलाना चाहता हूं जो अतीत आज भी जागृत है, वो अतीत जो आत्मगौरव से भरा है, वो अतीत जो वर्तमान को आज भी आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। कैसा आत्मगौरव, कैसी प्रेरणा? वो आत्मगौरव जिसका एहसास हमारे संतों ने हमें कराया था, और वे संत जिनका जीवन आज भी हमारे लिए मार्गदर्शक है। ये भारत भूमि संत महात्माओं सन्यासियों की पुण्य भूमि है। आओ वर्तमान यदि भविष्य को सुरक्षित, संस्कारित, समृद्ध और शक्तिशाली बनाना है तो चलो मेरे साथ एक बार फिर से अतीत में आओ। मैं तुम्हें दिखाता हूं अतीत से बहने वाली संत परंपरा की वो अविरल धारा जो है पुण्य प्रवाह हमारा। I'm gonna make it.
तेजस्वी सन्यासी? अतीत कौन है वे दिव्य पुरुष? धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अधर्म के बढ़ते प्रभाव को नष्ट करने और धर्म की स्थापना के लिए अवतरित वे हैं परम पूज्य भगवत पाद आद्य शंकराचार्य। सनातन धर्म को फिर से एक सूत्र में बांधने के लिए उन्होंने भारत के इतिहास की सबसे अद्भुत यात्रा की। भारत का कोई कोना ऐसा नहीं होगा जहां आद्य शंकर न गए हों। अपनी इस दिग्विजय यात्रा में उन्होंने अनेक विद्वानों से शास्त्रार्थ कर उन्हें पराजित कर उनको अपना शिष्य बनाया। यति श्रेष्ठ, आप हमारे घर पधारिए, हमारे यहाँ भिक्षा ग्रहण कीजिए। मुझे अन्न की भिक्षा नहीं चाहिए देवी। तो मीमांसा शिरोमणि मंडन मिश्र से मैं शास्त्रार्थ की भिक्षा चाहता हूँ। ओहो, तो आप मुझसे शास्त्रार्थ की भिक्षा मांग रहे हैं? मुझे हर्ष हुआ। वेदांत मत को उत्तम मानकर आप इस मत का आश्रय ले अथवा हमारे गुरु श्रेष्ठ पूज्य आचार्य शंकर के साथ शास्त्रार्थ करें, और यदि शास्त्रार्थ नहीं करना हो तो मैं पराजित हुआ यही कह दे। हजार मुख वाले शेषनाग भी अगर आ जाए तो ये मंडन मिश्र पराजय स्वीकार करने वाला नहीं। तो फिर कर्मकांड के सिद्धांत को छोड़कर तुम वैरागियों के कपोल कल्पित सिद्धांत से मैं पराजय कैसे स्वीकार कर लूं? प्रस्तुत हूं मैं शास्त्रार्थ के लिए। यति श्रेष्ठ, आसन ग्रहण करें। किंतु हमारे शास्त्रार्थ में निर्णायक का कार्य कौन करेगा? आपकी धर्मपत्नी उभय भारती जी, वह ये कार्य करेगी। माता, मैंने आपके ज्ञान की ख्याति सुनी है, आप महापंडिता है, अतः हमारे इस वाद में आप निर्णायक भूमिका स्वीकार करें। मुझे स्वीकार है, मैं आप दोनों के गले में एक एक हार डाल देती हूँ। आपके तर्कों से तो निर्णय होगा ही, लेकिन उसके प्रमाण स्वरूप आप में से जिसकी माला मुरझा जाएगी उसे पराजित हुआ माना जाएगा। तो अब आप दोनों विद्वान शिरोमणि महापुरुष अपने अपने पक्ष की प्रतिज्ञा सुना करके शास्त्रार्थ आरंभ करें। एक अद्वितीय ब्रह्म ही सत्य है। उपनिषदों के महावाक्यों से जीव और ब्रह्म की एकता का बोध होता है। इस अनुभूति से जीव सच्चित आनंद में लीन हो जाता है, वो जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है, ऐसा मैं मानता हूं। और ऐसा मानने में वेद के मस्तक स्वरूप उपनिषद प्रमाण है। मंडन मिश्र, वैसे तो शास्त्रार्थ में अद्वैत मत की जीत निश्चित ही है, किंतु यह मेरी प्रतिज्ञा है कि यदि कदाचित मैं हार जाता हूं तो भगवे वस्त्र वाले सन्यास को त्याग कर श्वेत वस्त्र धारण कर लूंगा। वाद में जय पराजय का निर्णय आपकी धर्मपत्नी उभय भारती जी करेगी। स्वामी, आपकी क्या प्रतिज्ञा है? मैं वेदों के बाद आए उपनिषदों को प्रमाण नहीं मानता, मैं वेद के कर्मकांड को प्रमाण मानता हूं। दुखों से मुक्ति कर्म से मिलती है, शब्दों से नहीं। ज्ञान कांड अर्थवाद है, वेद का कर्म कांड ही सत्य है, यही मेरा सिद्धांत है। और अगर हमारे शास्त्रार्थ में मेरी पराजय होती है तो मैं श्वेत वस्त्रों वाला गृहस्थाश्रम छोड़कर भगवे वस्त्रों वाला संन्यास स्वीकार करूंगा। इस वाद में जय पराजय के निर्णय के लिए आपकी तरह मैं भी उभय भारती जी को निर्णायक के रूप में स्वीकार करता हूं। आप दोनों की प्रतिज्ञा यहां उपस्थित सभी लोगों ने सुनी है, अब आप दोनों शास्त्रार्थ आरंभ करें। हे सन्यासी जी, जीव तथा ईश्वर की वास्तविक एकता का आप स्वीकार करते हैं तो इसमें प्रमाण क्या है? छांदोग्य उपनिषद में 9 बार कहा है, तत्वमसि श्वेत केतु, वही प्रमाण है।
तत्वमसी तो यज्ञ आदि विधिवाक्य का अंगरूप वाक्य है, ये कोई स्वतंत्र वाक्य नहीं। अर्थात आप वेद के विभाग स्वीकार करते हैं? अवश्य। वेद के कितने विभाग है? दो विभाग। कौन कौन से? कर्मकांड और ज्ञान कांड। यज्ञ आदि विधि वाक्य किस कांड में है? कर्म कांड में। क्योंकि तत्वमसि वाक्य कर्म कांड से भिन्न ज्ञान कांड में है, इसी से यह सिद्ध होता है कि यह वाक्य जीव तथा ब्रह्म के वास्तविक अभेद को ही बताता है। अतः उपनिषद ही प्रमाण है। श्रुति जीव को कर्मफलों का भोक्ता और ईश्वर को अभोक्ता कहती है, अतः सिद्ध होता है कि जीव और ईश्वर भिन्न हैं। मीमांसक मूर्धन्यः पंडिताग्रणी श्री मंडन मिश्रो विजयताम विजयताम विजयताम। देखिए जपा कुसुम पुष्प के साथ रख देने पर तो स्फटिक भी लाल ही दिखता है, तो फिर लाल स्फटिक और निरंग शुद्ध स्फटिक इन दोनों के बीच में भेद है कि नहीं है? स्फटिक कहां लाल हुआ? दिखता तो है वह लाल, पर स्वरूप से तो वह शुद्ध ही है ना। इसी प्रकार पंचतत्वों से बने देह को धारण करने के कारण जीव ब्रह्म से अलग दिखता है और हमें जीव और ब्रह्म के अलग अलग होने का आभास होता है, जबकि वस्तुतः वे दोनों तो एक शुद्ध चैतन्य ही है। यति शिरोमणि वेदांत केशरी भगवत्पाद श्री शंकराचार्यो विजयताम विजयताम विजयताम। किंतु प्रकट तो भिन्नता ही होती है, अभिन्नता तो दिखती भी नहीं, फिर जीव और ब्रह्म को अभिन्न किस प्रकार मान लिया जाए? यह रंग केशरी है, यह बात क्या कान समझ सकता है? नहीं। क्यों? क्योंकि रंग के ज्ञान के लिए आंख ही प्रमाण है, कान नहीं। आंख प्रमाण है तो क्या हो गया? हम मानते हैं जो अबाधित है, अनाधिक है और फल के समान ही अर्थ पैदा करने वाला है, वही प्रमाण है। प्रमाण के विषय में यही तर्क यदि आप उपनिषद पर लागू करके देखें तो? ऐसा करने पर तो उपनिषद ही ब्रह्म में प्रमाण सिद्ध हो जाएंगे। और ब्रह्म ज्ञान हो जाने पर क्या फल मिलेगा? आनंद स्वरूप ईश्वर के साथ जीव की एकता सिद्ध होने से जीव स्वयं आनंद स्वरूप सिद्ध हो जाएगा। तो क्या होगा? आनंद प्राप्त करने के लिए स्वर्ग जाना पड़ेगा? नहीं। उस स्वर्ग के लिए कर्मकांड करने पड़ेंगे? नहीं। तो क्या करना पड़ेगा? नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। जिस आनंद के लिए हमें यज्ञ आदि करके स्वर्ग में जाना था, वह आनंद तो मैं ही हूं। यह जान लेने के बाद तो कुछ करने के लिए रह ही नहीं गया। अब तो मैं मुक्त ही हूं, मुक्त हूं मैं मुक्त हूं। तो अब पत्नी पुत्र धन संपत्ति गृहस्थाश्रम आदि यज्ञ के साधनों की आवश्यकता है क्या? बस बस गुरुदेव, मुझे लज्जित न करें। गृहस्थाश्रम का त्याग करके सन्यास ग्रहण करने के लिए मैं उत्सुक हूं। मैं आपका शरणागत शिष्य हूं। आप दोनों वादियों के कंठ की मालाओं ने तो जय पराजय का निर्णय अपने आप कर दिया है। मेरे स्वामी के कंठ की माला मुरझा गई है, अतः मैं पूज्य आचार्य शंकर को इस शास्त्रार्थ का विजेता घोषित करती हूँ। यति शिरोमणि वेदांत केशरी भगवत्पाद श्री शंकराचार्यो विजयताम विजयताम विजयताम। शंकराचार्य जी को ये आभास हो गया कि यदि धर्म की रक्षा करनी है तो इसे संघटित करना होगा, और इसीलिए
अपने प्रमुख शिष्यों के साथ उन्होंने भारत के चारों दिशाओं में चार पीठ की स्थापना की। अद्वैत वेदांत मार्ग को लंबे समय तक चलने के लिए सन्यासी संघ का गठित होना आवश्यक है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? इस अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य के लिए मैं भारत के चारों दिशाओं में मठों की स्थापना करूंगा। पद्मपाद, सुरेश्वर, हस्तामलक और तोटकाचार्य, तुम मेरे चारों प्रमुख शिष्य इन मठों के महाधीश होंगे और शंकराचार्य की उपाधि धारण करोगे। शेष अन्य शिष्य उनके सहायक होंगे। आद्य शंकराचार्य जी ने इन चार मठों से 10 संप्रदायों को जोड़ा। ये 10 नामी सन्यासी संप्रदाय कहलाते हैं। इन संप्रदायों के अखाड़े होते हैं और हर अखाड़े के प्रधान महामंडलेश्वर कहलाते हैं। इस तरह आद्य शंकराचार्य जी ने हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार के लिए एक सुंदर संगठन और व्यवस्था का निर्माण किया। भगवत पाद आद्य शंकराचार्य के पश्चात दक्षिण भारत से श्री रामानुजाचार्य, श्री निम्बार्काचार्य, श्री माध्वाचार्य आदि के द्वारा भक्ति की एक महान धारा बह चली, जो अब उत्तर भारत में भी पहुंच चुकी है। किनको प्रणाम कर रहे हैं? संत रविदास और संत कबीर, और जिनके ये पैर छू रहे हैं वे हैं स्वामी रामानंद। स्वामी रामानंद एक महान क्रांति के जनक थे। उन्होंने समाज से छुआछूत का भेद दूर कर राम भक्ति के द्वार सभी के लिए खोल दिए, किंतु इसके लिए उन्हें भी संघर्ष करना पड़ा। स्वामी जी, माफ कीजिए, अब आप हमारे साथ नहीं बैठ सकते। हमारे आश्रम में भी अब आप नहीं आ सकती। लेकिन क्यों? क्योंकि आपने हमारी परंपरा तोड़ी है। आपने उन लोगों को अपना शिष्य बनाया है जिनके साथ हम पानी भी नहीं पी सकते। अच्छा, कौन है वो लोग? ये
ये सेना नाई, ये सदना कसाई, ये जुलाहा कबीर और ये चमड़े का काम करने वाला रविदास, ये है आपके शिष्य। अगर ये आपके शिष्य है तो जय राम जी की। राम जी की जय कहते हो पर राम को ही समझ नहीं पाते हो। मेरे प्रभु राम ने तो केवट को गले लगाया, शबरी के झूठे बेर खाए, वनवासी वानरों के साथ उन्होंने भोजन किया। अरे जब उन्होंने भेदभाव नहीं किया तो हम कौन होते हैं ऐसे नियम बनाने वाले। न तो आपने धर्म को समझा न वेदों को। मेरे प्रभु तो बस यही कहते हैं, जात पात पूछे ना कोय, हरि को भजे सो हरि का होए। राम सभी के एक समान, मूरख हो या हो विद्वान, ब्राह्मण शूद्र सभी संतान, सबके वे ही पिता महान। परम शरण्य सुखद श्री राम, मुख से जपें उन्हीं का नाम। राम राम श्री राजा राम, राम राम श्री सीता राम। सत्यम वद धर्मं चर, हमेशा सत्य बोलना और धर्म का पालन करना। आज समावर्तन पर मेरी तुमसे यही अभिलाषा है। आज यहां से जाने से पहले क्या तुमने अपने जीवन की दिशा तय कर ली वेंकटनाथ? आचार्य, मैं साहित्याचार्य बनना चाहता हूँ। सुदर्शन भट्ट। आचार्य, मैं श्रीरंगम में भगवान श्री रंगनाथ की उपासना में जीवन व्यतीत करना चाहता हूँ। सायन। मैं चारों वेदों की व्याख्या और भारतीय दर्शन की सभी धाराओं का सार संग्रह करना चाहता हूँ। माधव। मैं कुछ नहीं बनना चाहता आचार्य, मैं अपना जीवन उनको समर्पित करना चाहता हूं जिन्होंने मेरा भरण पोषण किया है। मेरी मातृभूमि, मेरा धर्म, खिलजी के आक्रमण और अत्याचारों ने लोगों को कुंठित और भीरू बना दिया है। मैं अपने देशवासियों के भीतर स्वतंत्रता, निर्भयता और स्वाभिमान का संचार करना चाहता हूं। ये कौन था अतीत जो कुछ बनना नहीं चाहता था? हमारे समय की भाषा में कहे तो करियर के प्रति बिल्कुल लापरवाह। अब वो समय आ गया था वर्तमान जब पूरा देश इस्लामी लुटेरों और आक्रमणकारियों से ग्रस्त था। मंदिर तोड़े जा रहे थे और लोगों का जबरन धर्म परिवर्तन किया जा रहा था। ऐसे में माधव ने राष्ट्र की सेवा में ही मोक्ष का मार्ग देखा और ये छात्र आगे जाकर विद्यारण्य स्वामी के नाम से सन्यासी बना। अरे अरे, ये क्या है, क्या हो रहा है ये? मलिक काफूर ने श्री रंगपट्टनम पर हमला कर दिया। उसके सैनिकों ने पूरे शहर में बहुत लूटपाट की, सैकड़ों निर्दोषों की हत्या की, महिलाओं को उठा ले गया और माधव, मलिक कपूर की सेना ने भगवान श्रीरंग का मंदिर तोड़ दिया, महिलाओं पे अत्याचार किया, बच्चों और बूढ़ों को भी नहीं छोड़ा, पूरे नगर को शमशान बना दिया और मेरे प्रभु का मंदिर तोड़ दिया और मैं अभागा बच गया। कायरों की भांति रोना बंद करो सायण, कहां गया तुम्हारे युवा काल का साहस, स्वाभिमान और आत्मविश्वास? क्या अब हम निर्बलों की भांति रोते बैठे? माधव। कौन? वेंकटेश, तुम? तुम्हारे साथ मैं भी देश की मुक्ति के महायज्ञ में समर्पित होना चाहता हूं। ये लो। अभी तीस्तव? ये क्या है? निर्भयता का गीत, साधारण लोगों को निद्रा और निष्क्रियता से जगाने वाला गीत। तुमने मेरी अभिलाषाओं को शक्ति प्रदान की है वेंकटेश। निर्भयता का गीत लिखकर तुमने मेरी भावनाओं को अभिव्यक्ति दी है। आओ हम सब मिलके अपने देश को संगठित करें। निर्भयता का गीत अभी तीस्तव।
तीनों मित्र मिलकर नगर नगर घूमकर इस गीत को गाते और लोगों में जागरूकता जगाने का प्रयास करते। सायण आगे जाकर प्रसिद्ध संत सायणाचार्य बने, जिन्होंने वेदों की व्याख्या की और दर्शन साहित्य पर भाष्य लिखे। और माधवाचार्य ने श्रृंगेरी पीठ के जगत गुरु शंकराचार्य भारती कृष्ण पीठ से संन्यास की दीक्षा ली। आज से तुम्हारा नाम विद्यारण्य हुआ, सांसारिक कर्तव्यों से तुम्हारी मुक्ति हुई। गुरुदेव, मैंने अपने परिवार के प्रति अपने सभी कर्तव्यों का पालन कर लिया था, इसीलिए संन्यास लिया। लेकिन मेरे राष्ट्र के प्रति मेरा कर्तव्य अब तक पूरा नहीं हुआ, इसलिए मैं अपने कर्तव्यों से अब तक पूरा मुक्त नहीं हुआ हूं। तो क्या तुम मोक्ष नहीं चाहते? मेरे धर्म और मेरे देश की मुक्ति में ही मेरी मुक्ति है गुरुदेव, यही मेरा मोक्ष है। तो जाओ सन्यासी और एक नया इतिहास रचो कि राष्ट्र धर्म ही सबसे बड़ा धर्म है। स्वामी विद्यारण्य ने सच में एक नया इतिहास रचा। जिस प्रकार चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य के साथ मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी, कुछ उसी प्रकार विद्यारण्य स्वामी ने दक्षिण भारत में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की और बाद में श्रृंगेरी शारदा मठ के 12वें जगत गुरु शंकराचार्य के रूप में उन्होंने समाज का नेतृत्व किया। वैष्णव जन तो तेने कहिए, वैष्णव जन तो तेने कहिए, जे पीड़ पराई जाने रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए, तो गांधी जी का भजन है। लेकिन ये कौन थे? ये गांधी जी तो नहीं है। अरे नहीं, ये तो द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण के प्रिय भक्त नरसी मेहता जी हैं। नरसी मेहता? अच्छा, तो ये गीत इन्हीं का लिखा हुआ है। हाँ, भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त नरसी मेहता, कृष्ण के प्रति समर्पण यही इनका धन और कृष्ण की भक्ति यही जीवन। नरसी मेहता की भक्ति ऐसी थी कि उनकी पुकार सुनकर भगवान को भी आना पड़ा था। वो कैसे? आओ तुम्हें बताता हूं। दोहिती का मैरा भरने के नाम पर ये तंबूरा और फटी चादर बस यही लेकर आए हैं क्या? कहते थे मेरे द्वारकाधीश मैरा भरेंगे। अरे जब पास में कुछ है ही नहीं तो ऐसी बड़ी बड़ी बातें की ही क्यों? सारे गांव में हमारी नाक कटा दी आपने, अब किस मुंह से आए हैं यहाँ? जाइए बैठिए अपने कृष्ण के भजन करते हुए, पाखंडी भगत। ठीक है, अगर मेरे प्रभु को यही मंजूर है तो यही सही। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। आओ मारा नटवर नागरिया, आओ मारा नटवर नागरिया, पधारो मारा नटवर नागरिया। भगता कह क्यों नहीं आयो रे, संता कह क्यों नहीं आयो रे। नटवर नागरिया, पधारो मारा नटवर नागरिया। मीरा काई थारी मासी लागे, जिनरो बिछड़ो जा रे, राणो बिछड़ो
प्यालो भेजो विश अमृत कर डारो ने सैन भगत काई सुसरो लागे चारो कारज सारो रे बगल रछाणी नाई बन गयो ट्रिप को शीश संवारो रे आवो मारा नटवर नागरिया पधारो मारा नटवर नागरिया कहे नरसीलो सुन सावरिया इतने बड़े संत का इतना अपमान क्यों? नरसिंह मेहता को अपनी दोहिती की शादी में मायरा लेकर जाना था। अब देने के लिए उनके पास तो कुछ था ही नहीं। कह दिया कृष्ण से कि हे द्वारकाधीश मेरी लाज रख लेना और आ जाना अपनी बहन का मायरा भरने। और कृष्ण नरसिंह जी, ओ नरसिंह जी, अब आए हो द्वारकाधीश, अब आप मान भी जाइए ना। देखिए हम मायरा भरने के लिए आए हैं, देखो तो सही। पहला केश खिंचाए कर पचे बढ़ायो चीर अवत लाज गवाए कर टूट गई अब धीर। पहले तो तूने द्रौपदी के केश खिंचवाए और फिर तू आया उसकी लाज बचाने। वैसे ही आज मेरा इतना अपमान हो जाने के बाद अब आया है तू। मेरे प्यारे भक्त, मेरे से ऐसे मत रूठो ना। अच्छा मुझे माफ कर दो, देर हो गई आने में। देखो नरसिंह जी, मैं भी आई हूँ साथ में मायरा भरने। चलिए नरसिंह जी चलिए, अपनी बहन के लिए आज हम ऐसा मायरा भरेंगे कि संसार युगों युगों तक याद रखेगा। अरे चमत्कार हो गया जी, चमत्कार। क्या हो गया? नरसिंह मेहता। अरे क्या नरसिंह मेहता लगा के रखा है, आगे भी तो बोल। नरसिंह मेहता मायरा लेकर आ रहे हैं, बैलगाड़ियों पर ऊंट पर इतना सामान है कि आपका घर छोटा पड़ जाएगा रखने के लिए। क्या? मुझे तो विश्वास नहीं होता। वो देखिए देखिए देखिए, पहुंच भी गए, बधाई हो। आइए नरसिंह जी आइए, आपका स्वागत है। जय श्री कृष्ण। आप कौन है जी? मैंने पहचाना नहीं आपको, कभी देखा नहीं था। मैं नानी बाई का माना हुआ भाई हूं जी। नरसिंह जी मेरे सेठ और मैं इनका चाकर। नरसिंह सेठ ने कहा और हो गया मैं हाजिर। नरसिंह जी हमें माफ कर दीजिए, हमने आपको बहुत बुरा भला कह दिया, गलती हो गई हमसे। सब द्वारकाधीश की लीला है जी। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। आवाज है, कौन है ये? आओ चलो देखते हैं। जमुना किनारे आ
अद्भुत स्वर है। आप कहां से आए हैं जी? कौन सा गांव? नाम क्या है? घर, गांव, नाम, ये सब तो बहुत पीछे छोड़ आया। सूरदास है? हाँ, यही समझ लो मेरा नाम, सूरदास। क्या ऐसे दिद्यात हो? कछु कृष्ण लीला के भजन सुनाओ। महाप्रभु जी। अरे महाप्रभु जी आए हैं। महाप्रभु जी, महाप्रभु जी। श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। महाप्रभु जी आज स्वयं मेरे पास आए, मैं धन्य हो गया। सूरदास जी, आपके शब्दों में सम्मोहन है, आपके सुरों में दिव्यता है। अपनी इस कला को आपको श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित कर देना चाहिए। आप कृष्ण लीला के पद लिखिए। मैं आंखों का अंधा, लीला क्या जानूं? एक लपेटा हुआ सूत का गोला दिखने में छोटा लगता है, मगर जैसे ही उसे खोलना शुरू करो, उसका विस्तार होते जाता है, होते जाता है। श्री कृष्ण तो लीला पुरुष हैं। तुम प्रभु श्री कृष्ण का अनुग्रह करो, मैं तुम्हें पुष्टि मार्ग की दीक्षा देता हूं। चलो मेरे साथ। ओ भाग्य मेरे, जैसी आपकी आज्ञा महाप्रभु। ये महापुरुष कौन थे अतीत, जो सूरदास जी को अपने साथ ले गए? ये थे महाप्रभु वल्लभाचार्य जी, जिन्होंने पुष्टि मार्ग की स्थापना की, कृष्ण भक्ति का प्रचार किया और देश भर में पुष्टि मार्ग की 84 गद्दियां स्थापित कर धर्म को संगठित करने का कार्य किया। प्रसिद्ध गीत मधुराष्टकम श्री वल्लभाचार्य जी का ही लिखा हुआ है। Thank you.
सुतम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम मधुराधिपते रखिलम अधरम मधुरम बदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम हृदयम मधुरम कमलम मधुरम मधुराधिपते रतिलम मधुरम मधुराधिपते रतिलम सूरदास हमें कभी ना मिलते अगर सूर को महाप्रभु वल्लभाचार्य ना मिलते। वल्लभाचार्य जी के बताए मार्ग पर चलते हुए आज भी लाखों लोग पुष्टि मार्ग का अनुसरण करते हैं। वल्लभाचार्य जी ले गए सूरदास को अपने साथ नाथ द्वारे के श्रीनाथ जी के मंदिर और वहीं से निकली वात्सल्य रस की ऐसी अनोखी धारा जिसने देश भर को बाल कृष्ण की भक्ति में डुबो डाला। ये लीजिए सूरदास जी, आ गया आपका घर। अच्छा अच्छा ऊधो मन न भयो दस बीस एक हो तो सो गयो शाम संग को अवराधेश ऊधो मन न भयो दस बीस दद्दू। अरे अरे तू तू आ गया कहना? मैं तो कब से आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ दद्दू। अब अगर दद्दू से बतियाना हो तो इंतजार तो करना ही होगा। ये देख मैं तेरे लिए क्या लाया हूँ। क्या है? अरे वाह माखन, लेकिन माँ नाराज होगी। मैं माखन दूँ तो माँ के नाराजगी की चिंता और तू चोरी करके खाए तो? मैंने कहा चोरी की दद्दू? ये देखो मेरे हाथ कितने छोटे हैं, पैर कितने छोटे छोटे हैं और हांडी कितनी ऊंची। सही कहते हो कान्हा, मैया मुरी मैं नहीं माखन खायो। लेकिन कान्हा तुम परेशान भी बहुत करते हो मैया को। वो तो मैं मैया के साथ खेलता हूँ। और एक बात कहूँ दद्दू? कहो कन्हाई। मैया को भी मेरा परेशान करना अच्छा ही लगता है। कभी कभी तो वो जानबूझकर मुझे उकसाती है और फिर मैं झूठ मूठ का गुस्सा करता हूँ। जैसे वो जानकर मेरी चोटी नहीं बांधती और फिर मैं उनको पूछता हूँ मैया कब हूँ बढ़ेगी छोटी। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहुं सुदशरथ अजर बिहारी। अरे ये कौन? ये तो तुलसीदास जी के रामचरितमानस का दोहा है। कौन कौन है भाई? मैं तुलसीदास। रामचरितमानस के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास। ओ भाग्य मेरे, विराजिए गोसाई। मैं आपको अपने कान्हा से मिलाता हूं। कान्हा कान्हा। आपका कान्हा तो गया अपनी मैया के पास, अब शायद बंसी रखकर
हाथ में धनुष बाण लेकर आएगा। क्यों क्यों आपसे युद्ध करना है क्या उसे? सूरदास जी, आपका कान्हा भी जानता है, तुलसी मस्तक तभी झुके, धनुष बाण हो हाथ। तुलसी भैया, आपकी एक निष्ठता भी अद्भुत है। आपके रामचरितमानस का पाठ तो अब हमारे नाथ द्वारे में भी होने लगा है। कुछ कुछ सुना दो राम जी के भजन। राम नाम मन दीप धर, जीह दे हरि द्वार, तुलसी भीतर बाहर हूँ, जो चाह से उजिया। नाम राम को कल्प तरु, कली कल्याण निवास, जो सिमिरत भयो भांगते, तुलसी तुलसी दास। सूरदास और तुलसीदास, एक कृष्ण के भक्त और दूसरे राम के, और फिर भी ये दोनों कितने प्रेम से मिल रहे हैं। सूरदास जी ने अपने भजनों के माध्यम से वात्सल्य भक्ति का प्रचार किया, तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस की रचना करके समाज में एक नई जागृति का निर्माण किया। तुलसीदास जी केवल एक भक्त कवि ही नहीं, बल्कि एक महान समाज सुधारक और संगठनकर्ता भी थे। तब शंकर प्रभु पद सिरुनावा, सुमिरत राम हृदय अस आवा, एहि तन सती भेद मोहि नाही, शिव संकल्प कीन मन मानी, अस विचारी शंकर मत धीरा, चले भवन सुमिरत रघुबीरा, चलत गगन भय गिरा सुहाई, जय महेश भली भगति दृढ़ाई, असपन तुम बिनु करई को आना, राम भगत समरथ भगवाना, सुनि नभ गिरा सती उर सोचा, पूछा शिव ही समेत सकोचा, जदपि सती पूछा बहु भांति, तदपि न कहेउ त्रिपुर आराती। आपकी इस रचना से प्रेम और भक्ति का स्रोत मानो फूट पड़ा है, और अब तो घर घर में मानस का पाठ हो रहा है तुलसी जी। लेकिन इतना ही पर्याप्त नहीं है, राम के साथ हनुमान की उपासना भी आवश्यक है। इसलिए मेरी इच्छा है टोडर भैया कि गांव गांव में अखाड़े और व्यायामशाला बने, गांव के सब युवक किशोर व्यायाम करें, बलिष्ठ बने। ये सब काहे गोसाई जी? कभी सोचा है टोडर जी कि भारतवर्ष के गांव पर जब कोई संकट आता है तो कोई प्रतिवाद क्यों नहीं करता? गांव का गांव उजड़ जाता है लेकिन कोई सामने खड़ा नहीं होता। मैं एक ऐसे समाज की रचना करना चाहता हूं जो अपनी रक्षा आप कर सके। लेकिन इससे तो लोग हिंसक हो जाएंगे। हिंसा और आत्मरक्षा में अंतर होता है टोडर भैया। मैं भगवान श्री राम का भक्त हूं, धनुर्धारी राम का भक्त, कोई असुर आवे तो उसका शमन करने वाले राम का भक्त हूं मैं। मेरा बजरंगी एक हाथ में संजीवनी पर्वत उठाए है तो दूसरे हाथ में गदा भी रखे हैं। ई जो हमार अहिंसा है ना, ई कायरन की अहिंसा है। अरे अहिंसा शोभा देती है वीर को, जैसे राजा उपवास करे तो कहलाता है उपवास,
भिखारी के उपवास को उपवास नहीं कहते। आपने मेरी आंखें खोल दी गोस्वामी जी, आपकी ये इच्छा अवश्य पूरी होगी। तुलसी भैया, मानस का श्रवण करते करते हमरे मन में भी राम जी एक विचार दिए है कि ई बरस काशी जी में राम जी की लीला खेली जाए। बहुत नेक सोचे हैं भैया, और हम तो कहीं कि एक स्थान पर काहे, अरे पूरी नगरिया में राम जी की लीला हो तो लगे कि राम जी के असल भगत यही रहते हैं। ये जो अखाड़े और रामलीला आज हम देखते हैं, ये भी तुलसीदास जी की देन है। हमारे संतों ने केवल भक्ति का ही प्रचार नहीं किया, बल्कि भक्ति के साथ साथ सामाजिक जागरण का भी बहुत बड़ा कार्य किया। गुरु नानक, गुरु गोविंद सिंह, महात्मा बसवेश्वर, नारायण स्वामी आदि अनेक संतों ने सोती हुई आत्माओं को झकझोर दिया था। तुलसीदास जी की ही तरह उत्तर पूर्व में आचार्य शंकर देव ने अपनी चिन्ह यात्रा के साथ कृष्ण भक्ति की लीलाओं को प्रस्तुत करने का कार्य किया था। अरे अरे, बातों ही बातों में हम तो भूल ही गए, चलो रामलीला देखने, वहां भी अभी बहुत कुछ घटित होने वाला है। गोस्वामी जी, आपसे तनिक बात करनी है। कहिए। क्या समझते हैं आप अपने आप को? राम जी की लीला कराएंगे यहां? भाखा में न जाने क्या अंडबंड लिखे हैं भगवान जी के बारे में, खुद को वाल्मीकि समझे हैं? अरे बंद करो ये लीला वीला। इतना साहस आप लोगों का? गोस्वामी तुलसीदास जी को अपशब्द कह रहे थे आप? अगर हिम्मत है तो आप बोल कर दिखाओ। टोडर भाई, अगर इस बूढ़े को अपशब्द कहकर के इन बच्चों को सुख मिलता है तो सुख लेने दे, ये भी तो अपने बंधु ही है, राम जी की प्रजा है। मानस को भाखा में लिखने से समाज में जो उत्साह का संचार हो रहा है उसका महत्व ये अभी नहीं समझ पा रहे हैं। केवल अवधि में ही क्यों, हम तो चाहेंगे कि हमरे राम जी का चरित्र संसार की हर भाषा में लिखा जाए। चलिए चलिए, रामलीला का समय हो गया है। त्रेता युग में अत्यंत क्रूर विख्यात बलि दसकंधर था, जिसके भुज दंडों के बल से थर्राता सकल चराचर था। सूर चंद्र जल अग्नि पवन सब उसकी सेवा करते थे, दिग्पाल सुरेश कुबेर वरुण उसके प्रताप से डरते थे। जग की छाती पर सोने की लंका में निशाचर रहता था, हरि नाम न लेने देता था, जगदीश्वर खुद को कहता था। जिस समय पूज विद्वानों के मस्तक ठुकराए जाते थे, जिस समय देव प्रतिमाओं पर निशंक हथौड़े पड़ते थे, बंदाराओं को बलपूर्वक जब राक्षस हर ले जाते थे, यज्ञ हवन करने वाले पैरों से कुचले जाते थे, वही समय था मचने लगा जब जग में हाहाकार, कौन संभाले इस पृथ्वी को ब्रह्मा करे विचार। अत्याचारों दुख दर्दों में डूबी सुख की आस, तभी आई सबके कानों में ये प्यारी आवाज। पृथ्वी मेरी प्यारी पृथ्वी, तेरा ताप मिटाता हूँ, दशरथ के यहाँ मैं बन के राम अति शीघ्र अवध में आता हूँ। अवध में प्रगटे राम, सभी दुख दूर हुए। जनों के पूरे होंगे अब तो सारे काम, सभी दुख दूर हुए। अश्वरूप जगत ये सारा शासन रूप लगा,
अश्व रूप जगत ये सारा शासन रूप लगा। धर्म सवार थका तो प्रभु ने ये लगाम ली थाम, सभी दुख दूर हुए अवध में प्रगटे राम, सभी दुख दूर हुए अवध में प्रगटे राम, सभी दुख दूर हुए। बंद हुए थे कमलों के मुख जब आई थी शाम, बंद हुए थे कमलों के मुख जब आई थी शाम। सूर्यवंश में सूर्यमुखी से उदित हुए सुखधाम, सभी दुख दूर हुए अवध में प्रगटे राम, सभी दुख दूर हुए अवध में प्रगटे राम, सभी दुख दूर हुए। गोसाई जी, राजस्थान के मेवाड़ से कुछ तीर्थयात्री काशी आए हैं। उन्होंने वहाँ की रानी मीराबाई का ये पत्र आपके लिए भेजा है और इसका जवाब भी मांगा है। स्वस्ति श्री तुलसी कुलभूषण दूषण हरण गोसाई, बार ही बार प्रणाम करहूं अब हरहू शोक समुदाय। मेरे गिरिधर गोपाल की भक्ति और साधु संतों के साथ के कारण मेरे अपने स्वजन ही मेरे शत्रु बन गए हैं। मुझे मेरे गिरिधर से दूर किया जा रहा है, ऐसे में मुझे क्या करना चाहिए? परिवार के लिए मेरे गिरिधर का त्याग या गिरिधर के लिए परिवार का त्याग? कृपया मार्गदर्शन कीजिए। जाके प्रिय न राम वैदेही, सो नर तजिए कोटि बैरी सम, जदपि परम स्नेही नाते सबे राम के मनियत, सुहृद सुसंख्य जहां लो। अंजन कहां आंखी जो फूटे, बहुतक कहो कहां लो। चित्तौड़ की समझ न खुद को राधा, पति गवाया है तूने रख विधवा की मर्यादा। ये परिवार ही तेरा गोकुल, कर इसकी इच्छा पूर्ति, पहन ले चोला विधवा का और त्याग कृष्ण की मूर्ति। नारी माने पति को अपना परमेश्वर ये माना, पर राना जी मैंने तो परमेश्वर को पति जाना। मेरा तो इन चरणों में ही गोकुल मथुरा काशी, मेरे तो है गिरिधर नागर, मैं बस उनकी दासी। ये जो तेरा हट है तो फिर कर ले सजा स्वीकार, अब तो तेरा होगा सिर और ये मेरी तलवार। हाथ उठे पर तेग चले नहीं, ये कैसा चमत्कार। पर मैं भी हूँ राणा विक्रम, ना मानूंगा हार। छोड़ो अब ये दाम्भिकता, ये सुमिरन और ये भक्ति, कुल मर्यादा का कर ले पालन, मिल जाएगी मुक्ति। मर्यादा में रह के पालो नारी धर्म जो सबने पाला, या फिर दंड रूप में पी लो तुम ये विष का प्याला। विष लागे अमृत समान जब गिरिधारी हो मन माही, मीरा बन गई बावरी पर जग जानत है नाही।
मीराबाई ने भगवान श्री कृष्ण को अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया। उन्होंने श्री कृष्ण को ही अपना पति माना और श्री कृष्ण के चरणों में ही विलीन हो गईं। अरे, ये शहनाई का स्वर कहां से सुनाई दे रहा है? लगता है किसी की शादी हो रही है। अरे, ये तो दो छोटे बच्चों की शादी हो रही है। अच्छा, हाँ हाँ, आओ चलो देखते हैं। शुभ मंगल सावधान। रुकिए, मुझे ये बताइए कि शुभ मंगल सावधान मतलब क्या? अरे नारायण, अब तो ग्रस्त आश्रम में प्रवेश कर रहा है। तू कहता था ना कि चिंता करता हूँ सृष्टि की, आप तेरी जिम्मेदारी इतनी बढ़ जाएंगी कि तुझे सृष्टि की चिंता करने के लिए समय ही नहीं मिलेगा। अब अपने परिवार के लिए हमेशा सावधान रहना होगा, इसलिए कहते हैं शुभ मंगल सावधान, शुभ मंगल सावधान। पंडित जी, मैं यहाँ हूँ। शादी किसकी कर रहे हैं आप? अरे आया पंडित जी, मैं सावधान हो गया हूँ। सलाम है जयराम जी की। अरे दूल्हा भाग रहा है, पकड़ो पकड़ो। नारायण भाग गया, रोको रोको कोई। नारायण बेटा, नारायण रुक जा, रुक जा नारायण। ये कौन बालक था अतीत, जो अपने खुद के विवाह से भाग खड़ा हुआ? यह बालक और कोई नहीं बल्कि समर्थ रामदास स्वामी थे। समर्थ रामदास प्रभु श्री राम के महान भक्त थे। भक्ति के साथ शक्ति का अनोखा संगम देखने मिलता है समर्थ रामदास में। दास बोध की रचना करके इन्होंने समाज को एक अद्भुत मार्गदर्शक धरोहर दी। जय जय रघुवीर समर्थ। जय जय रघुवीर समर्थ। श्रीमंत योगी वैराग्य रूपी, रामदास तो दास बोध तो, भगव्या वस्त्रांचा संन्यासी योगी, रामदास तो दास बोध तो। कल्याण, प्रभु श्री राम की कृपा से मेरे हृदय में ऐसे अनेक बोधामृत उमड़ रहे हैं कि जो इस जग के लिए कल्याणकारी होंगे। मैं चाहता हूं कि दास बोध के रूप में तुम इसका लेखन करो। जो आज्ञा गुरुदेव। जय जय रघुवीर समर्थ। श्रीमद् दास बोध मंगलाचरण। श्री राम समर्थ। श्री रामार्पण मस्तु। श्री शक संवत 1544 दुंदुभिना संवत्सरे माघ शुद्ध त्रयोदशी प्रभौ अस्मित शुभ दिने रामेण रामदासेन लिखित इदं पुस्तकं श्री रघुनाथार्पणस्तु। श्री रमाकांत प्रीतो भवतु। स्वामी जी, संत तुकाराम महाराज आपसे मिलने आए हैं। जे का रंजले गांजले त्यासी मने जो आपुले। आइए आइए तुकाराम महाराज, आइए। एक वाणी ने अपना व्यवसाय छोड़कर भागवत धर्म की वीणा उठाई और लोगों को धर्म बताने से पहले वह स्वयं धर्ममय हो गए। आपके जैसे महान विठ्ठल भक्त का दर्शन पाकर जीवन कृतार्थ हो गए। स्वामी, जन जागृति और धर्म जागृति का आपका कार्य तो अद्वितीय है। देश भर की पदयात्रा में धर्म के बारे में एक बात प्रखरता से नजर आई, देश नेतृत्व विहीन और धर्म पुरुषार्थहीन हो गया। हमारे यहाँ भेड़ बकरियों की संख्या बहुत बढ़ गई है।
एक भेड़ दूसरी के पीछे गई तो सब वही जाएंगे, फिर आगे गड्ढा है या खाई इसका विचार नहीं। स्वामी, आपकी हनुमान भक्ति और बलोपासना समाज में ऊर्जा का संचार कर रही है। अब तो मैं युवाओं को ये कहते सुनता हूं कि समर्थंचि या सेवका वक्र पाहे, असा सर्व भूमंडली कौन आहे। महाराज, महाराज, कृपा करिए, हमें बचाइए। क्या हुआ? मुगलों के अत्याचार और अन्याय की कोई सीमा नहीं रह गई महाराज, हमारी रक्षा कीजिए। अरे लेकिन हुआ क्या है? एक मुगल सरदार दिन दहाड़ इसकी पत्नी को उठाकर ले गए महाराज। और किसी ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की? हम सब घबरा गए थे महाराज। महाराज चमत्कार करिए और मेरी पत्नी को वापस ला दीजिए महाराज। अरे मैं कोई चमत्कारी महंत नहीं। महाराज पिछले वर्ष आपने एक मरे हुए इंसान को भी जिंदा कर दिया था महाराज, मुझ पर भी कृपा कीजिए। वो तो प्रभु राम की कृपा हुई थी महाराज। राम जी को हम पर भी कृपा करने के लिए कहिए ना महाराज। अरे मूर्खो, रावण की कैद से जिसने अपनी पत्नी को स्वयं अपने बल से छुड़ाया, धर्म की स्थापना के लिए जिसने असुरों का संहार किया, उस पुरुषार्थी राम से प्रार्थना करूं तुम जैसे कायरों के लिए यह संभव नहीं। जब यह अत्याचार चल रहा था तब तुम अपने हाथ की कुल्हाड़ी तलवार लाठी लेकर उस पर टूट क्यों नहीं पड़े? विरोध भी नहीं किया, क्या होता? नष्ट हो जाते, मर जाते। अरे स्वाभिमान से हुई मृत्यु ऐसे लाचार जीने से कितना ही गुना श्रेष्ठ है। जाओ, तुम जाओ, चमत्कार की आस लगाकर जीने वालों की सहायता श्री राम प्रभु कभी नहीं करते। महाराज हमसे गलती हुई, अब आप ही कुछ कीजिए। तुम्हें चमत्कार चाहिए ना? कल सुबह तुम सब आओ अपने साथियों के साथ गांव के चौक में आना, वही होगा चमत्कार। स्वामी क्या चमत्कार करने वाले हैं कल आप? वही जो मैं आज तक हर गांव में करते आया हूं। इनकी मरी हुई आत्माओं को जगाने के लिए शक्ति के देवता की स्थापना की जाएगी, भक्ति के साथ साथ शक्ति का भी जागरण किया जाएगा। जय मारुति राया, जय जय रघुवीर समर्थ, जय जय रघुवीर समर्थ। मनोजवं मारुत तुल्य वेगम जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयूथ मुख्यम् श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। देवताओं के चमत्कार के भरोसे हाथ पर हाथ धर बैठने से कुछ नहीं होगा, आप लोग स्वयं सक्षम है, चमत्कार भी आप ही को करना होगा। अरे किसी की गाय ले गए, किसी का धन ले गए, हमारे मंदिर तक तोड़ दिए और तुम हाथों में चुड़िया पहनकर रोते बैठे। अरे चेहरे पर ये बड़ी बड़ी मूछें किस लिए बढ़ा रखी है तुमने? हमें क्या करना चाहिए स्वामी? आज से हम मारुति की उपासना करेंगे, मारुति के स्मरण मात्र से सारे क्लेश मिट जाते हैं। प्रभु श्री राम के सभी कार्यों को सिद्ध करने वाले मारुति हमारे भी सभी कार्य सिद्ध करेंगे। मारुति की उपासना के लिए हमें क्या करना होगा स्वामी? बलोपासना। मारुति स्वयं बल और बुद्धि के सागर है, लाचार शक्तिहीन कायर और किंग कर्तव्य विमूढ़ लोगों पर मारुति कृपा नहीं करते, इसीलिए मारुति को प्रसन्न करना हो तो बलोपासना करनी होगी। बलोपासना कैसे? सूर्य नमस्कार, दंड बैठक,
युद्ध कला, इसका अभ्यास ही बलोपासना है और यह मैं सिखाऊंगा तुम्हें। चलो तैयार हो जाओ। उद्धव, इनको सिखाओ सूर्य नमस्कार और दंड बैठक। कल्याण, तुम इनको दंड युद्ध और तलवारबाजी सिखाओ। प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, बाज जंग की घड़ी के तुंग हार दो। है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, बाज जंग की घड़ी के तुंग हार दो। आन आन शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी के तुम गुहार दो। आन वान शान या के जान गाहो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। मन करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। कृष्ण की पुकार है, ये भागवत का सार है, कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीड़ हो, जो लड़ सका है वो ही तो महान है। जीत की हवस नहीं, किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो। मौत अंत है नहीं, तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी के तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। चलो देखते हैं। जमुना किनारे मेरे गांव। क्या अद्भुत स्वर है। आप कहां से आए हैं जी? कौन सा गांव, नाम क्या है? घर, गांव, नाम, ये सब तो बहुत। जितनी उस समय मुझे थी, शौर्य और साहस से विहीन राष्ट्र कभी उन्नति नहीं कर सकता।
लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आई, लोगों को शक्तिशाली बनाने के लिए भगवान की भक्ति करने की क्या आवश्यकता थी? क्या भगवान सच में होते हैं? भगवान ने इंसान को बनाया या इंसान ने भगवान को? अरे बस बस बस, तुम्हारे जैसे ही प्रश्न कभी एक और युवक के मन में उठे थे, तुम्हें उससे मिलना चाहिए। आओ मैं तुम्हें उससे मिलाता हूं, चलो मेरे साथ। आपकी ये मूर्ति पूजा मरीचिका है, मृग तृष्णा, एक भ्रम है, आपके अपने दिमाग की सृष्टि। मुझे इन मूर्तियों में बिल्कुल विश्वास नहीं। साधारण मानुष के लिए निराकार ब्रह्म की कल्पना कठिन है रे, पर मेरी माँ तो सत्य है, साकार ब्रह्म। एक दिन तू भी मेरी माँ को स्वीकार करेगा। क्या आपने भगवान को देखा है? सांसारिक लोगों से बात कर करके तेरे होंठ जल गए लगता है। क्या आपने भगवान को देखा है? हाँ, देखा है ना, जैसे जैसे मैं यहाँ बैठकर तुझे देख रहा हूं ना, ठीक वैसे। उससे बात भी कर सकते हैं रे, जैसे जैसे मैं तुझसे कर रहा हूं, ठीक वैसे। लेकिन फिर भगवान दिखते क्यों नहीं? अरे भगवान को चाहता ही कौन है रे, कोई नहीं। कोई भगवान के लिए रोता है? कोई नहीं। अरे सरल भाव से रोकर कोई उसे पुकारे तो सही, भगवान स्वयं उसे मिलने चले आते हैं। हाँ, जब तक मुझे प्रमाण नहीं मिलेगा तब तक मैं कहता रहूंगा कि ईश्वर निराकार है, उसकी कोई छवि नहीं, उसका कोई आकार नहीं। मुझे प्रमाण चाहिए, प्रमाण। दिन के समय तारे नहीं दिखते तो क्या तू कहेगा तारे है ही नहीं? अरे तारे देखने के लिए पूरे दिन प्रतीक्षा करनी होती है, तपस्या करनी पड़ती है, भक्ति करनी पड़ती है, और तू बिना कुछ किए ही सब कुछ पाना चाहता है, हा? मैं सत्य की खोज करना चाहता हूं और मैं तुम्हें सब कुछ देना चाहता हूं, सब जो कुछ मेरे पास है वो सब देना चाहता हूं। उसे जो पात्र हो, समझ सके, ग्रहण कर सके, और वो तू है नरेन, तू है। ये आपने क्या किया ठाकुर, ये क्या किया आपने? मेरे घर में मेरे माँ है, मेरे पिता है, बस कीजिए ठाकुर, बस बस, आज इतना ही, समय आने पर सब कुछ दे दूंगा, सब कुछ। लेकिन रामकृष्ण परमहंस ने उसे मारा किस लिए? नहीं नहीं, मारा नहीं, बल्कि अपनी योग शक्ति के बल पर उन्होंने नरेंद्र को अद्वैत की अनुभूति कराई थी। नरेंद्र रामकृष्ण के आश्रम में आने लगा, लेकिन अचानक एक दिन उसके पिता चल बसे। एक संपन्न परिवार निर्धनता का जीवन जीने के लिए विवश हो गया। उदास और निराश नरेंद्र फिर से पहुंचा रामकृष्ण के शरण में। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता,
नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मां ठाकुर ठाकुर। अरे एटा एटा की रे नौरेन। ठाकुर अपनी माँ से प्रार्थना कीजिए, उनसे मेरी गरीबी दूर करने के लिए कहिए। मैं क्यों मांगू, तू ही मांग, तुझे जो मांगना है। मेरी माँ तो बहुत दयालु है, सर्वशक्तिमान है, मांग ले मांग ले जा। हाँ तू कैसे मांगेगा, तू तो मेरी माँ पे विश्वास ही नहीं करता ना। हाँ? क्या आपकी माँ मेरी बात सुनेंगी? अरे सुनेगी रे सुनेगी, वो सबकी माँ है, माँ तो दयालु है। जा जा जो मांगना है जा मांग मांग मेरी माँ से। माँ मुझे भक्ति दे, ज्ञान दे, वैराग्य दे। मांग लिया? हाँ लेकिन वो नहीं मांग सका जो मांगने आया था। फिर से जा और एक बार मांग जा। मां मां मुझे भक्ति दे, ज्ञान दे, वैराग्य दे। मां अब तो मांग लिया ना जो मांगना चाहता था। नहीं नहीं मांग पाया मैं। जा जा फिर से एक बार मांग ले, पैसा 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 मांग ले। जा जा मां मां एक राजा से मुट्ठी भर दाना मैं नहीं मांग सकता। मां तुम तो मुझे भक्ति दो, ज्ञान दो, वैराग्य दो। मां मांग लिया? ये सब बाप का ही किया धरा है, जरूर आपने ही कोई जादू किया है ठाकुर। नौरेन तेरे भाग्यों में सांसारिक सुख नहीं है रे। अगर यही मेरा भाग्य है तो आज से मेरे परिवार के देखभाल की जिम्मेवारी भी आप ही की है, याद रखिएगा ठाकुर। ठीक है जा तू अब। मां मेरा नौरेन बड़े कष्ट में है। मां उसे उसे सुख का वरदान दे। मां वरदान दे वरदान दे। ठाकुर की कृपा से नरेंद्र के परिवार का कष्ट दूर हो गया, किंतु कुछ ही दिनों में श्री रामकृष्ण परमहंस का स्वास्थ्य भी बिगड़ने लगा और उसके बाद नरेंद्र का अधिकाधिक समय उनकी सेवा में ही बीतने लगा। एक बात पूछूं ठाकुर? पूछ ठाकुर पूछ। लोग भगवान से मिलना तो चाहते हैं पर मिल नहीं पाते, ऐसा क्यों होता है ठाकुर? इस गिलास में क्या है नरेन? शरबत। और इन मक्खियों को देख, ये मक्खियां
गिलास के बाहर रहकर ही शरबत का स्वाद लेना चाहती है, किंतु शरबत का स्वाद जानने के लिए उसमें डूबना तो होगा ना, और उसी से ही ये मक्खियां डरती हैं, मौत से डरती हैं। अरे सच्चिदानंद के शरबत में डूबने से मृत्यु थोड़ी ही आती है, अरे उसमें डूबने से तो स्वयं शरबत बन जाते हैं। ये शरबत सच्चिदानंद का है, घूंट घूंट पियो इसे, घूंट घूंट। ठाकुर ठाकुर, अब मैं अपने माँ के पास जाना चाहता हूँ नरेन। ठाकुर एक बार वो गीत सुना दे नरेन, गीत सुना दे। चलो मन जाए घर अपने, चलो मन जाए घर अपने, इस परदेश में ओ परदेश में, क्यों परदेसी रहें ए, चलो मन जाए घर अपने, चलो मन जाए घर अपने। अब तुझे सब कुछ देने का समय आ गया है नरेन, आ गया है। अब मैं तुझे सब कुछ दे देना चाहता हूँ, आ नरेन बैठ जा मेरे पास। साचे की जोत जला के, साचे प्रेम की जोत जला के, मन सुन मेरी कान लगा के, पाप और पुण्य की गठरी उठा के, अपनी राह चले, चलो मन जाए घर अपने, चलो मन जाए घर। आज अपने आज मैंने तुझे सब कुछ दे दिया नरेन, ओ परदेश में क्यों पर, आज मैं पूरा खाली हो गया, खाली हो गया। चलो मन जाए घर अपने, चलो मन जाए घर अपने। गुरु की महिमा अनंत है। रामकृष्ण ने नरेंद्र को सचमुच सब कुछ दे दिया, उसे अपनी आध्यात्मिक शक्ति से समृद्ध कर दिया। यही नरेंद्र आगे जाकर स्वामी विवेकानंद बना। स्वामी विवेकानंद के एक भाषण के बारे में तो मैंने भी सुना है, माय डियर सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका। अरे गुलाब, खाना परोस दिया है। हर दिन देखती हूँ तुझे, ये हर रोज खाने के पहले चंदन घिसकर किसे तिलक लगाता है तू? दादी, एक छोटा बच्चा आया था, हर दिन आता है मेरे पास। कौन लड़का रे,
कैसा दिखता था? अभी तो बैठा था मेरे सामने, जैसे ही तुमने पूछा वो भाग गया। पगड़ी पहने हुए था, माथे पर चंदन का तिलक और कानों में कुंडल। आंखें नहीं है लेकिन तुझे वो सब दिखता है जो हम आंख वाले भी नहीं देख पाते। तू वो सब पढ़ लेता है जो पढ़े लिखे लोग भी नहीं समझ पाते। किस लोक से आया है रे तू? तो क्या अब तुम मुझे फिर से सूरदास जी की कहानी सुनाओगे? सूरदास तो है ये भी, लेकिन नाम है इनका संत गुलाब राव महाराज। इन्होंने श्री कृष्ण की भक्ति की और संत ज्ञानेश्वर को ही अपना गुरु माना। ज्ञानेश्वर माउली, ज्ञानेश्वर माउली, ज्ञानेश्वर माउली। महाराष्ट्र में जन्मे संत गुलाब राव महाराज की आंखें 4 महीने की अवस्था में ही चली गई थी, लेकिन भगवान ने उन्हें वो दिव्य दृष्टि दी थी कि जैसी उन्होंने अर्जुन को दी थी विश्वरूप का दर्शन कराने के लिए। संत गुलाब राव महाराज की प्रतिभा देख लोग दांतों तले अंगुलियां दबा लेते थे। आगे जाकर उन्होंने अनेकों विषयों पर अनेकों पुस्तकों की रचना की। महाराज, ये डार्विन कौन था? सुना है आपने उनके बारे में भी एक पुस्तक लिखा है। डार्विन ने मनुष्यों के विकास का एक सिद्धांत दिया था, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के सिद्धांत को भी सामने रखा। मैंने उसके इन सिद्धांतों का खंडन किया है। आपकी तो आंखें भी नहीं है, फिर आप इतना सब कुछ कैसे जान लेते हैं? कभी मैं सुनता हूँ और कभी कोई पुस्तक दूसरों से पढ़वा भी लेता हूँ। एक बार जो सुन लिया वो याद रह जाता है। सब कृपा है ज्ञानेश्वर माउली की, वो मुझे सब कुछ सिखा देते हैं। महाराज, एक चित्रकार आए हैं, इन्होंने सुना है कि आपको संत ज्ञानेश्वर माउली के साक्षात दर्शन होते हैं, इसलिए ये आपके कहे अनुसार माउली का एक चित्र बनाना चाहते हैं। ज्ञानेश्वर माउली, ज्ञानेश्वर माउली, ज्ञानेश्वर माउली। दादा, निवृत्ति दादा। कहो ज्ञानदेव। दादा, मुझे एक दिव्य प्रकाश दिख रहा है। कैसा प्रकाश ज्ञानेश्वर? दूर क्षितिज के उस पार अनुपम तेज से ब्रह्मांड प्रकाशित है। दादा, ज्ञानेश्वरी के लेखन से मेरे इस जन्म का कार्य पूर्ण हुआ, अब समाधि लेने की। ज्ञानेश्वर? हाँ दादा। इतने जल्दी? तुम्हारे न होने पर मुक्ताई और सोपान का क्या हाल होगा, ये भी तो सोचो। ज्ञानेश्वर दादा, नहीं नहीं, ऐसा मत कहो दादा। इतने जल्दी समाधि? सोपान,
प्रभु की यही आज्ञा है, अब मुझे चलना होगा। नहीं नहीं दादा, नहीं दादा, हमारे माता पिता तो बचपन में ही हमें छोड़ गए। निवृत्ति दादा हमारे पिता, और माँ के समान ममता करने वाले तुम हमारी माउली। अगर तुम भी अब चले गए तो हमारा क्या होगा दादा, क्या होगा? योगी राज चांद देव का उद्धार करने वाली मुक्ताई मुझे रोक रही है। दादा मैं चांद देव की गुरु नहीं, तुम्हारी छोटी बहन हूँ। मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी दादा, नहीं जाने दूंगी। मेरा जीवन कार्य पूर्ण हुआ, अब ईश्वर विलीन होने की इच्छा है। दादा बचपन में जब माँ की याद आती थी तब तुम ही हमें गले लगाते थे दादा। तुम ही हमारे माँ हो, हमारी माउली हो। हम बच्चे अपने माँ से दूर कैसे रहेंगे? तुम बताओ ना दादा, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं निवृत्ति दादा? सोपान मुक्ताई, ये शोक व्यर्थ है, अनुमति दो निवृत्ति दादा, मेरे गुरु तो तुम ही हो। ज्ञाना अनुमति है दादा। जय जय राम जय जय राम कृष्ण हरि, 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 जय जय राम जय जय राम कृष्ण हरि, 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 जय जय राम जरा पीछे हटो, आओ दादी आओ, आगे आओ, देख लो अपने ज्ञानेश्वर को एक बार। ज्ञाना, अरे मैं बुढ़िया अब तक इस संसार का बोझ ढो रही हूँ और तू चला, क्यों रे इतना निष्ठुर हो गया तू? दादी रोती क्यों हो, आज तो उत्सव का दिन है, प्रभु मिलन का दिन है। नामदेव का प्रणाम स्वीकार कीजिए। अरे नामदेव महाराज, आप, आपको तो बहुत कार्य करने हैं, अभी देश भर में भक्ति की गंगा बहाते रहिए। आप तो स्वयं अवतारी हैं, जैसी आपकी आज्ञा। गुरुदेवा आज्ञा गुरुदाता
अरे अरे रुको रुको, कौन हो तुम? मैं भविष्य हूँ। लेकिन तुम तो असुरक्षित, अनिश्चित था, लेकिन अब नहीं हूँ, क्योंकि अतीत से बहने वाली संत परंपरा की धारा आज भी गतिमान है। मैं भविष्य सुरक्षित हूँ। हाँ वर्तमान, तुम्हारा ये भविष्य सुरक्षित है। आदिकाल से चलने वाली संतों की है पावन धारा, भारत में आज भी इसी तरह प्रवाहमान है। पूज्य भगवत्पाद आद्य शंकराचार्य जी ने जिस प्रकार धर्म का पुनर्जागरण किया, उसी तरह आज भी अनेकों महान संत भारत माता की सेवा में रत हैं। संतों का यह पुण्य प्रवाह रुकने वाला नहीं। हमारे संतों ने केवल भक्ति ही नहीं की, बल्कि अपने सामाजिक और राष्ट्रीय कर्तव्य का भी निर्वाह किया। संतों की यह पावन धारा आसेतु हिमाचल भारत माता की धमनियों में रक्त के समान प्रवाहित है। यही हमारे देश और संस्कृति को चैतन्य प्रदान करती है। तुमने मुझ पर बड़ा उपकार किया अतीत, जो आज मुझे इन संतों के दर्शन करा दिए। आओ अतीत, आओ भविष्य, आज मैं वर्तमान तुम्हें इस संत परंपरा के पूजन के लिए आमंत्रित करता हूं। अनंत संसार समुद्र तार नौकायिताभ्याम गुरु भक्तिताभ्याम वैराग्य साम्राज्य दपूजनाभ्याम नमो नमः श्री गुरु पादुकाभ्याम कवित्ववाराशि निशाकराभ्याम तुम्हाला सगळ्यांना आवडली का तर हात वर करा, पुन्हा एकदा करा, म्हणजे ते कॅमेरेवाले पण पाहतील कसं वाटलं। या सर्व कलाकारांना आणि विशेषतः कपोते सरांना, कपोते सर आशीर्वाद देण्यासाठी स्वामीजी वर आलेत। मी त्यांना विनंती करतो की त्यांनी याविषयी दोन शब्द बोलावेत।
इतकी सुंदर दृश्य बघितल्यानंतर शांतपणे हे संतांचे भाव आपल्या अंतःकरणास साठवून आपण सर्वांनी या टिकून जायला हवं. बोलण्याची आवश्यकताच नाही, पण तरीही अभिवादनाचं एक अर्घ्य अर्पण करायला हवं. आपला देश वेदांच्या विचारांनी प्रभावित झालेला, वेदों से चली हुई वो विचारों की गंगा, संतों के आचार्यों के माध्यम से और उसके पश्चात संतों के माध्यम से सर्वत्र पहुंचती गई. और आज का भारत जो हम देख रहे हैं वो केवल संतों के कारण बचा हुआ भारत है. वीरों का कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण रहा ही है, लेकिन इन वीरों को प्रेरणा देने वाली भगवत शक्ति का जागरण लोगों के अंतःकरण में संतों के द्वारा ही किया जाता है. और इसलिए यह संत संस्कृति हमारा सर्वोच्च धन है. हमने यहां पर प्राचीन काल से लेकर के संत गुलाबराव महाराज तक संतों की प्रदीर्घ परंपरा का विहंगम अवलोकन किया. साधु दिसती वेगळाले, साधु दिसती वेगळाले, परिते अंतरी मिळाले. भिन्न भिन्न प्रदेशों में जन्मे हुए, भिन्न भाषाओं को बोलने वाले और अनेक स्थानों पर भिन्न भिन्न संप्रदायों के दिखने वाले संत भी सभी संत अंतरंग में एक रूप होते हैं, इस बात का विश्वास हमारे अंतकरण में होना चाहिए. सभी संत एक रूप होते हैं, परिस्थिति के अनुसार, आवश्यकता के अनुसार किस प्रकार लोगों को उपदेश करके संस्कार संपन्न बनाना चाहिए इसको वे अपनी अपनी पद्धति से अपने अपने युग में चुनते हैं. लेकिन संतों की सबसे बड़ी अंतरंग सबकी विशेषता एक ही है, परमात्मा की भक्ति और संसार से प्रेम. और यह प्रेम सक्रिय बनकर के सेवा में परिणत हो जाए. ईश्वर की भक्ति और समष्टि से प्रेम और उसका हित चिंतन, यह संतों का स्थायी भाव है. यह भारतीय संस्कृति की आधारशिला है. और हम धन्य हैं कि आज इतनी बड़ी संख्या में हम लोग भगवान ज्ञानेश्वर महाराज के चरणों में बैठ करके हमारी संपूर्ण परंपरा का पवित्र स्मरण कर रहे हैं. अपनी परंपरा को भूलिएगा नहीं. इस परंपरा ने हमें अपना जो कुछ आज हमारे पास है वह सब कुछ दिया. इस परंपरा को अभिनय के रूप में आपके सामने साकार करने हेतु हमारे आदरणीय पीडी पाटिल साहब की प्रेरणा से और डॉक्टर संजय मालपानी के सहयोग से जिन लोगों ने यह सुंदर कार्य करके दिखाया है उन सब का मैं अभिनंदन करने के लिए यहां पर आया हूं. इसके पटकथा लेखक गिरीश डागा, इसमें अन्य कला का संयोजन करने वाले महापात्रा जी क्षितिज महापात्रा और पुणे के सब छात्रों के द्वारा इसको कराने वाले कापसे जी, इन सब ने मिलकर के मैं विश्वास नहीं कर सकता था कि पहली बार इसको करने वाले पुणे के हमारे सारे के सारे छात्र इतने सफल हो जाएंगे. आपने अपेक्षातीत सफलता को प्राप्त किया है.
आपलं सर्वांचं अत्यंत प्रेमानं अभिनंदन करण्याकरता मी या ठिकाणी आहे. आणि हे अभिनंदन करताना माझा ऊर भरून येतो आहे की एक एक तुमच्याकडलं अभिनय बघत असताना डोळे पाणावत होते, अंग रोमांचित होत होतं, आणि आपण आळंदीत बसलो आहोत की त्या काळात गेलो आहोत याचा विसर पडत होता. त्या काळाशी इतकं एकरूप व्हायला होत आहे. ही कलेची महती आहे, ही संतांची महती आहे, ही लेखनाची महती आहे, ही अभिनयाची महती आहे. आपण मनोरंजनाकरता नाही बसलो, आपली कलासुद्धा अध्यात्मावर आधारलेली असली पाहिजे आणि भगवंताच्या चरणी समर्पित असली पाहिजे. ती कलासुद्धा साधना ठरते. अशा प्रकारची साधना आपल्या सर्वांच्या जीवनामध्ये सातत्यानं विकसित होत राहो आणि आपली व्यक्तिगत जीवन आणि तुमच्यापासून निर्माण होणारं सामाजिक जीवन किंबहुना सर्व सुखी पूर्ण होवो नीतिही लोकी भजिजो आदिपुरुषी अखंडित या ज्ञानोबांच्या उक्तीप्रमाणे पुढे पुढे वाढत राहो. धन्यवाद. या ठिकाणी कपोते सर, गिरीश डागा सर, क्षितिज महापात्रा सर यांनी पुढे यायचंय. या संपूर्ण नाटकाचं दिग्दर्शन डॉक्टर डी वाय पाटील स्कूल ऑफ लिबरल आर्टच्या कला विभागाचे डायरेक्टर डॉक्टर पंडित नंदकिशोर कपोते सर यांनी केलं. आणि आज कृष्णाच्या भूमिकेत त्यांनी या ठिकाणी सादरीकरणही केलं. त्यांचा सत्कार स्वामीजी करतायत. आम्ही डॉक्टर पी डी पाटील साहेब यांचं विशेष आभार या ठिकाणी मानतो. गीता परिवाराचे सहसचिव श्री गिरीशजी डागा सर आपल्या या नाटकामध्ये ज्यांना आपण रामकृष्ण परमहंस यांच्या भूमिकेत पाहिलं, आणि सोबत सोबत क्षितिज महापात्र सर ज्यांनी या नाटकाच्या मूळ संहितेमध्ये प्रचंड मदत केली त्यांनाही ते आशीर्वाद देत आहेत. या ठिकाणी त्यांना विशेष मदत करणारे, कपोते सरांना विशेष मदत करणाऱ्या सुवर्णा बाग यांनीही पुढे यावं आणि त्यांनी स्वामीजींकडून आशीर्वाद स्वीकारावेत. पायल गोखले मॅडम, सुवर्णबाग मॅडम नाही आलेल्या का? बर. आयुष मेहता यांना मंडन मिश्राची भूमिका केली आणि त्यानंतर पुन्हा एकदा दुसऱ्याही भूमिकेत आपण पाहिलं. सुवर्णबाग मॅडम या ठिकाणी नाही येत होते. या सर्वांचं कुलदीप कागडे, सौरभ माळस हे बाहेरून आलेले कलाकार होते, संगमनेरून आले, ऐनवेळी आले आणि त्यांनी पटकन या भूमिका सांभाळल्या, त्यांचंही अभिनंदन आहे. त्यांचंही स्वामीजी वस्त्र देऊन स्वागत करतायत. डॉक्टर डी वाय पाटील कॉलेज ऑफ आयुर्वेद अँड रिसर्च सेंटर पिंपरी, डॉक्टर डी वाय पाटील डेंटल कॉलेज अँड हॉस्पिटल पिंपरी, अमृता विद्यालयम अँड ज्युनियर कॉलेज निगडी, ज्ञान प्रबोधिनी नवनगर विद्यालय निगडी यांचे प्रतिनिधी जर इथे असतील तर एक एक प्रतिनिधींनी पुढे यावं. त्यांचे शिक्षक जर आलेले असतील कोणी तर डॉक्टर डी वाय पाटील कॉलेज ऑफ आयुर्वेद अँड रिसर्च सेंटर, ज्ञान प्रबोधिनी निगडी यांचाही विशेष सन्मान या ठिकाणी होतोय. अमृता विद्यालय आणि ज्युनियर कॉलेज निगडी
ज्ञान प्रबोधि ने निगड़ी। सर्वांना धन्यवाद देऊयात परमपूज्य